नंबर का मॉड्यूल शुरू करते हैं। अब कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ कि कैसे पढ़ना है और क्यों पढ़ना। दो बातें लिख देता हूँ, रस और डीजी आज शुरू करेंगे। पहली बात, दो बातें हैं जी, जो नहीं पढ़ेगा डीजी उसका नहीं होना पीजी, और जो नहीं पढ़ना चाहता रस वो आज से ही कर दे। बस क्लियर कर देता हूँ, ये आपको अपग्रेड करेंगे हर तरह से। कैसे? देखो, एक से लेकर 100 तक आएंगे, उनके ऊपर तो ये नियम लागू ही नहीं होता, क्योंकि वो तो 100% पढ़ चुके, पढ़े तभी 100 में, समझ पा रहे हो? अब बात करते हैं 100 से लेके और 500 वाले, इनके मार्क्स में इतना ही डिफरेंस होता है जितने रस और डीजी के गलत होते हैं। आते उतना नहीं, उतना तो सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन उतना ही फर्क होता है जितना रस और डीजी का। मान लो ये क्वेश्चन गलत हो गया तो आप एक नंबर जगह कौन सी रैंक पे, अभी 500 पे। अब आते हैं 500 से लेके और 1500 तक, जिसके रस और डीजी के दो क्वेश्चन गलत हो। अब आते हैं 1500 से लेके 2000 तक, जिसके रस और डीजी के तीन गलत हो गए, एक दो तीन। मजे की बात सुनो, एक से लेके 2000 तक की रैंक वाले बच्चों का बाकी सारा सब्जेक्ट का ज्ञान इक्वल, लेकिन ले कौन बैठी रस, मतलब समझो इनको टॉप इंस्टीट्यूट और टॉप ब्रांच मिलेगी। इनको या तो टॉप इंस्टीट्यूट मिलेगा या टॉप ब्रांच मिलेगा, इनको न टॉप इंस्टीट्यूट मिलेगा न टॉप ब्रांच मिलेगी, और इनको जो भी मिल जाए वो ठीक है, मतलब ये आखिरी के होंगे सिलेक्शन। अब 2000 से लेकर और 4000, जिनके रस दीजिए चार क्वेश्चन गलत, इनमें से बहुत से लोग अगर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से सोचे तो सिलेक्शन हो भी रहा है नहीं भी हो रहा है। उस स्थिति के लोग हैं जिनको थर्ड राउंड या स्ट्रे राउंड में कोई चांस है, कुछ मिल जाए तो मिल जाए, नहीं तो वापस भी आ। अब शुरू से सुनना, अगर ये 4000 रैंक वाले के चार में से तीन क्वेश्चन सही होते तो इसकी रैंक क्या होती, 500 के अंदर। तो कहां तो इसका सिलेक्शन नहीं हो रहा और कहां ये पहुंच गया, 500। जब इन सभी का नॉलेज चरक, सुश्रुत, वाग्भट, मॉडर्न, काश्यप, शारंग सब में बराबर है, इक्वल पढ़ाई, इसका मतलब इन सब ने रोज एवरेज देखा जाए तो 10 से 11 घंटे पूरे साल पढ़ाई करी वो बच्चे, लेकिन इनका रिजल्ट किसने डिस्टर्ब किया, पूरा रस और डीजी। रस और डीजी टॉपर को लास्ट सिलेक्शन बना सकते हैं और रस और डीजी 7000 रैंक वाले को सेलेक्ट करा सकते हैं। तो गेम चेंजर कौन है, रस एंड डीजी। दूसरी बात, रस और डीजी जो पहले आपने पढ़े हैं ये उससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। क्यों है सुने, जैसे आपने द्रव गुण के अंदर पहले बॉटनिकल नेम्स याद किए, फैमिलीज याद किए तो प्रॉपर पूरा याद किया, या वो पंगा नहीं है, या जवानी है और ट्रेकी इस पर ऐसा कुछ याद रह गया, पूरा इस पर भी याद नहीं रहा, तो ट्रेकी ट्रेकी था बस, हो गया खेल, चार में से एक ऑप्शन लग जा। दूसरा, यवानी आई, अरे यार क्लास में बताया था सर ने कि किचन में जो मसाले होते हैं उसमें ज्यादातर अम्ली फेरी के होते हैं, चार में से एक ऑप्शन पक्का क्या मिलेगा, अम्ली फेरी आंसर हो गया। दैट मीन कंसिस्टेंसी मस्ट है कि आप रेगुलरली पढ़े, याद करना जरूरी नहीं है, रटना जरूरी नहीं है। जबकि सबसे ज्यादा लोग क्या समझते हैं, किसको रटना पड़ता है, रस डीजी। रटना तब पड़ता है जब आप यूजी में होते हैं, अगर आप पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वो मैच्योर लेवल होना चाहिए ना ब्रेन का, पीजी वाला। अब भी सेकेंड ईयर के बच्चे की तरह रट रहे हो, खेल गलत। मतलब आपको एक सही सही अनुमान लग जाए उतना शब्द पकड़ना, लेकिन अनुभव तजुर्बा ये कहता है
वो सटीक अनुमान उसी का लगा है जिसने इनको रोज अखबार की तरह पढ़ा। अखबार कभी याद थोड़ी करते हो, नहीं करते ना, फिर भी पढ़ा हुआ अखबार वापस पढ़ते हो, लगता नहीं ये तो मैंने न्यूज पहले पढ़ रखी यार, ये तो पूरी फोटो वही है, ये तो ये अखबार मैंने पढ़ रखा। करना क्या है, रोज इनको 10-10 मिनट पढ़ना, याद नहीं करना, रोज पढ़ना 10 मिनट, रोज पढ़ना है। 10 मिनट यहां पढ़ोगे, 10 मिनट अभी घर जाके पढ़ लेना, फिर जब कल आओ ना यहाँ पे तो क्लास शुरू हो तब तक 10 डग देख सकते हो खाली ऐसे। अच्छा यवानी, ओके ट्रेक मिलकर ठीक, अजमोदा कैरम रोग ऐसे पता होना चाहिए कि अजमोदा आ गया तो कैरम खेलना। अपन जो ड्रग्स पढ़ेंगे उसमें सटीक अनुमान लग जाए उस वे में पढ़े, यही पढ़ना है, और नित पढ़ना है, रोज पढ़ना है अखबार की तरह। और आदत रखना कि जब मन बहुत खराब हो या मन बहुत खुश हो तो रसो डीजी पढ़, क्योंकि मन दो ही चीज हो सकता है, या तो खुश या खराब, मतलब रसो डीजी रोज ही पढ़ना। जब मूड खराब हो क्या पढ़ेंगे, रस डीजी, और कितना खराब होगा। और जब मूड अच्छा होगा तब भी क्या पढ़ेंगे, रसो डीजी। तो नित पढ़ेंगे अखबार की तरह पढ़े यार, अखबार की न्यूज लगी रहती, मान लो खिड़की ऊपर अखबार चिपका रखा है, होलिया में उड़े रे गुलाल, और उसने जगदीश मंदिर की फोटो दे रखी है और अंग्रेज खेल रहे हैं, तुम गिन लोगे किस दिन बैठे, औरतें कितनी, आदमी कितनी है, मतलब कितने आदमी कितनी औरतें, कितने गोरे हैं, मतलब फॉरेनर कितने हैं। फिर उसके बाद में संवाददाता का नाम रघुवीर सिंह, तो अब जब तुम पढ़ रहे हो ना, अच्छा रघुवीर सिंह ऊपर गुलाल उड़ा रहा है, कैसे याद हुआ, बार बार देखने से। और वही अखबार वहां नहीं चिपकता, किसका रघुवीर, किसकी गुलाल, किसकी होली, समझ रहे हो, ये अखबार है। और अखबार रोज पढ़ना, इसलिए रस और डीजी रोज पढ़ना, क्योंकि मैं कह दिया मन करता है तो भी पढ़नी, मन नहीं करता तो भी पढ़नी। रीजन ये कि मेरी गारंटी है, जो बच्चा रोज पढ़ लेगा ना उसको याद कुछ करना ही नहीं, रस डीजी नहीं छोड़नी है, तुम्हारा सेलेक्ट होना या नहीं होना ये रस और डीजी तय करे, क्लियर है।